मासूम बच्ची का अपहरण कर बलात्कार और फिर हत्या करने वाले आरोपी को होशंगाबाद जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय मीडिया प्रभारी पिपरिया टीआई प्रवीण कुमरे, अधिवक्ता कमलेश पुरविया के अनुसार न्यायाधीश केएन सिंह ने आरोपी दीपक किरार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। फैसला आते ही पीड़ित का न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे नगरवासियों ने राहत की सांस ली। शुरुआत से ही अंतिम सुनवाई तक नागरिक सिर्फ फांसी देने की मांग पर अड़े थे। तत्कालीन एडिशनल एसपी राकेश खाखा और एसपी अरविंद सक्सेना ने मामले में चालान तैयार कर घटना के दो हफ्ते बाद ही आरोपी को पेश कर दिया था। मासूम बच्ची के साथ हुई इस घटना में स्थानीय अधिवक्ताओं ने आरोपी का वकील बनने से इनकार कर दिया था। इस कारण मामला जिला कोर्ट में चला। 31 अक्टूबर की शाम कस्तूरबा वार्ड में घर के बाहर खेल रहे मासूम बहन भाई में से आरोपी दीपक ने 5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। लाश रेलवे लाइन के उस पार कृषि उपज मंडी क्षेत्र में झाड़ियों के बीच छिपा दी थी। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान करने के बाद आरोपी को बुरहानपुर से गिरफ्तार किया। तो न्यायाधीश महोदय जो काशीनाथ सिंह साहब की अदालत से जो हुआ फर्स्ट ट्रैक कोर्ट से, उसमें जो आरोपी दीपक करार था उसको दोषी मानते हुए आज माननीय न्यायालय ने उसे धारा 376 में आजीवन कारावास, 302 में मृत्युदंड, 363-66 में 7 वर्ष का कारावास करते हुए सजा दी है। मुख्य रूप से जो 302 का अपराध माना है उसमें उसको मृत्युदंड की सजा न्यायालय ने दी है। सर कितने गवाह और कितने साक्ष्यों के बीच में ये आज ये पूरा फैसला लिया? लगभग 30-40 से ज़्यादा न्यायालय में गवाही हुई है। गवाही के आधार पे जो फॉरेंसिक जांच जो हुई थी और उसके अलावा जो परिजन साक्ष्य थी और जो उसके परिवार के लोगों की, उसके मृति का बच्ची थी उसके भाई की जो साक्ष्य थी उसको आधार मानते हुए न्यायालय ने उसको दोषी माना है, अपराध सिद्ध मानते हुए सजा उसको सुनाई। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।